नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है अहमदनगर के धांगनफल गांव में, जहां पर किसानों का पहला पड़ाव जो कल 26 अप्रैल को अकोले से लोणी के लिए निकला था, जो कि लोणी राजस्व मंत्री का ऑफिस कार्यालय है, जहां पर उनका गांव भी है, वो जहां पर वो रहते हैं। इसलिए किसानों ने उनके गाँव की तरफ मार्च निकाला था, और इस मार्च का पहला पड़ाव जो था वो धांगनफल गाँव है, और जहाँ पर किसान कल रात से रुके हुए हैं। हालांकि ये मार्च सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाना था अपने अगले पड़ाव के लिए, लेकिन सरकार ने बीच में ही इनको रोक के और इनसे बात करने की गुजारिश की है, और इनसे कहा है आप रुकिए, हम आपसे यहीं बात करेंगे। तो सरकार के मंत्री और उनके जो प्रतिनिधि हैं और किसान नेताओं के बीच में वार्ता जारी है फिलहाल। और इस मार्च में बड़ी संख्या में अलग अलग तबके के लोग शामिल हुए हैं। इसी में बड़ी संख्या स्कीम वर्कर्स की है, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर बड़ी संख्या में शामिल है। उनके कई सवाल जो कई लंबे समय से लंबी थे, जिनको लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, इस मार्च में भी शामिल हुए हैं। तो उन्हें क्या सवाल है और किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से इस मार्च में शामिल हुए, उनसे बात करके समझने का प्रयास किया है। काम तो बहुत सारे हैं हमारे पास, कितनी प्रकार से आप लें 72 लेवल के काम है हमारे पास, मगर हमारे पास से दबाव लेकर काम करा के लेते और मानधन देते नहीं। हम यहाँ शालीय पोषण आहार बनाते हैं, तो उसका वेतन सिर्फ 1500 रुपये है, तो हमें छत के कर्मचारी का दर्जा चाहिए। मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, अभी 13 साल से काम कर रही हूँ मैं। किस तरह काम करती हूँ, क्या तकलीफ यह है कि हमें मानधन नहीं चाहिए, वेतन श्रेणी चाहिए, और पोषण आहार जो है अच्छा दर्जा चाहिए उसको, और जो समर में छुट्टी होती है तो 1 महीने की छुट्टी हमें चाहिए, समान वेतन और समान काम के दर्जा दिया जाए। दूसरा ये हमें परमानेंट किया जाए। हमारी 15 साल की सर्विस हो गई है, 15 साल में अभी हमको परमानेंट करना मांगता था, लेकिन अभी तक किया नहीं। अभी हमको दिन में सुबह के 10 बजे जाना पड़ता है, और दोपहर के 3 ही बजते 5 ही बजते तब हम घर आते हैं। कम मानधन मिलता है ज़्यादा काम करने वाले हम लोग। फिर ये मोबाइल डाटा भरना मांगता है ना शासन के द्वारे। पोषण ट्रैक पर हमारा रोज जाता है ना, तो आंगनबाड़ी खुलती हुए फ़ोटो निकलना पड़ता है, वो फोटो पोषण ट्रैकर में सेंड करना मांगता है वो ऑफिस वाले। हमारी नियुक्ति तो सरकार ने ही की है, आशा जो है वो स्वयं सेवक के तौर पर उसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन हमारी नियुक्ति जो है वो सरकार ने की थी, पूरा बॉन्ड बिन करके लिया था हमको, हमारी ऑर्डर सरकार की तरफ से आई थी बॉन्डेड, लेकिन हमारा बॉन्ड कब निकल के लिया वो हमको ही नहीं मालूम। हमें खाना बनाना पड़ता है, टॉयलेट क्लीनिंग करनी पड़ती है, स्कूल की सब क्लीनिंग करनी पड़ती है, सब कुछ हमारे इसमें इंक्लूडेड कर देते, कुछ भी बढ़ जाए काम, कोई भी मीटिंग वीटिंग होना तो उसके लिए पूरा परिसर साफ करके देना पड़ता है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाल मृत्यु है, जो माता मृत्यु है वो कम हो गया है। हमारा काम ये है महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं जो रहती है उनको अस्पताल में लेके जाने का, उनका पूरा आरोग्य का ख्याल रखने का, जैसे कि उनका टीकाकरण है, उनका टीटी का लस है, ऊपर से उनको 9 महीने सेवा देनी पड़ती है, लसीकरण होता है, उनका सब टेस्ट करना, ब्लड का टेस्ट होता है, 9 महीने हम उनको देखभाल करते हैं, अच्छे से डिलीवरी हो जाए इसलिए शासकीय रुग्णालय में उनको लेके भी जाते हैं। कब से पहने सोना मिल गया ना? कब मिला था? ओ 2017 में मिला था, वो चल रहा है अभी। अभी तो डब्बा हो गया, अभी बंद है। हम सब लोग है ना, ये कर्मचारी लोग हमेशा हमारे फोन पे ही पोषण ट्रैक चल रहे हैं। 3 साल सर्विस करने के बाद सबको परमानेंट की ऑर्डर मिलती है, लेकिन हमारी सर्विस 15 साल की हो गई, लेकिन अभी तक हमको परमानेंट की ऑर्डर नहीं मिली। कितना बेहतर मानदेय मिलता है? हमें टोटल राज्य का और केंद्र का मिलकर पूरा 14,730। वो जो बोलेंगे वो काम है, और वो जब तक रखेंगे तब तक काम है। फिर एक शिक्षक को लगा ना कि नहीं हम नहीं रख सकते, वो निकाल के भी देते हमको, निकाल देते। हमने कुछ बोला तो वो कहते आप घर पे जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और मानधन नहीं मांगता है, और वेतन मांगता है। वेतन होता है तो हम लोग रोजी रोटी और हमारा कुटुंब अच्छा तरह से बढ़ाते हैं। हमें मानधन नहीं चाहिए, हमें न्यूनतम राशि मिलनी चाहिए, जो
गट प्रवर्तकों को 35,000 और आशा वर्कर को 26,000, ये हमारी मुख्य मांग है। और हमें खाली 50 रुपये रोज मिलता है। आज आज आप लोग सोचो, सरकार को सोचने पर मजबूर करो, हमें सिर्फ 50 रुपये रोज मिलता है। आज खेत में जो महिला काम पे जाती है ना, वो भी 300 रुपये रोज में काम करती है। हम 30-30 साल यही आंगनबाड़ी में काम करते हैं, तो तब भी हम ऐसा मांगता है। सभी वो मेरे सहेलियाँ बेटी है, वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद वो तो बुढ़ी हो जाएगी, तो उनको लोग बच्चे लोग संभालने या नहीं संभालते, फिर वो ग्रेजुएटी मिलेगी तो शासन के वजह से बहुत अच्छा होएगा ना, इसलिए हम लोग मोर्चे में शामिल हो गए। जो तुटपुंजा मानदंड मिलता है हमें, वो न्यूनतम नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है, वो 4-5 महीने हो जाते हैं तब मिलता है। जब हम आंदोलन छेड़ने का बोलते हैं, निवेदन देने के लिए जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि आपका मानदंड आधा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1 महीने का आता है, 4 महीने का रह जाता है, और हमें ऐसा बोला जाता है कि नहीं, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका करार सिर्फ 10 महीने का है, 10 महीने तुम काम करो, फिर देखेंगे बाद में। हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई भी शिक्षक बोले, मुख्याध्यापक बोले, हमें मन से नहीं निकालना चाहिए, हमें सरकारी नियुक्ति चाहिए, शासकीय नियुक्ति जिसे बोलते हैं। देखो, अभी ZP है तो ZP को वेतन श्रेणी है, तो हम भी ZP इतना ही कामकाज करते हैं, और ज़्यादा कामकाज रहता है, ZP से ही ज़्यादा हमें कामकाज होता है स्कूल का, तो जैसे ZP को वेतन श्रेणी है वैसे हमें भी देना चाहिए। 5 महीने का पेमेंट अगर रुक गया तो 1 महीने का देते हैं और 4 महीने का रुका के रखते हैं, जब भी मोर्चा ले जाए तब बोलते पेमेंट डाल, इसके पहले क्या करते फिर ये लोग? हमारे मोर्चे का रास्ता देखते हैं कि हम आएंगे और आंदोलन करेंगे, वहाँ पे आके भूखे पैसे बैठते हैं, हम वहाँ पे आके हमारे बच्चे छोड़ते हैं, सर्वे को सवेरे जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, वाड़ी बस्ती पर जाकर करना पड़ता है काम हमको, और ये ऊपर से दबाव डालते हैं, इतने में टाइमिंग में हमको रिपोर्ट दो, 1 बजे तक 1.5 बजे तक रिपोर्ट दो, और दिन भर काम कराते हैं हमारे लोग, हमारे पास से लोग। हम यहाँ पे आज यहाँ पे है तो हमें सिर्फ आंगनवाड़ी बुलाया जा रहा है, लेकिन हमें शालेय पोषणहार कर्मचारी से कोई पहचानता नहीं है, ये भी हमें पहचान चाहिए। मिड डे मील हम 2002 से पका रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पे पहचान नहीं है। हमारा स्कूल तो 8 से 12 बजे भी हो गया है समर में, तो वैसे तो 2 बजे तक हमें स्कूल में रुकना पड़ता है, 8 बजे हाँ काम करना पड़ता है हमें। देश भर में 10 लाख आशा और गट प्रवर्तक है, जिनको 2005 से केंद्र सरकार ने NRHM के माध्यम से इसमें ये काम दिया है, उसमें जो गांव में सब 1000 जो लोकसंख्या है, लोकसंख्या में एक आशा काम करते हैं। देश भर में 10 लाख आशा और गट प्रवर्तक काम करते हैं। इस 10 लाख आशा और गट प्रवर्तक को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, किमान वेतन नहीं, बीमा नहीं, प्राविडेंट फंड नहीं, ऐसी कौन सी भी सुविधा ये आशा को मिलती नहीं है। केरल हरियाणा में 18-18 हज़ार रुपये शायद मिड डे मील वाले को पेमेंट है, हम उनसे कम काम नहीं करते, पर हमें 150-150 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, वो भी 2 महीने मिलती नहीं, साल के 10 महीने मिलती, फिर 2 महीने हम क्या काम छोड़ के जा सकते हैं क्या? 2 महीने में वो कभी बुलाए तो हमें सफाई के लिए भी जाना पड़ता है, कभी शिक्षक आते तो जाते हैं हम, पर उसका पेमेंट हमें कोई देता ही नहीं, 10 महीने का ही पेमेंट मिलता है, तो 2 महीने क्या हम खाते पीते नहीं क्या? हमें सर्वे रहता है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टिंग वुमन है, उनको भी हमें कामकाज उनका देखना पड़ता है, और जो आरोग्य तपासनी होती है वो भी हमें देखना पड़ता है, कुष्ठ रोग हो, क्षय रोग हो, हर तरह का सर्वे करा के लेते हैं, हमको GR भी दिखाते नहीं है, और कोविड के काल में भी बहुत सारा काम करा के लिए, उसका भी पेमेंट का कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी बोलते आपका बंद हो गया, ऊपर से ही लेवल से बंद हो गया, और कुष्ठ रोग के उसके 2-2 साल के सर्वे करा के लेते और पेमेंट का तो जो मानधन बोलते हैं हमको है मगर देते नहीं। बस हमें वेतन श्रेणी करें, पेंशन लागू करें हमें, और ग्रेजुएटी मिले हमें, और समर में हमें 1 मंथ की छुट्टी दे दे। कोविड काल में कभी सर्वे बहुत सारा करा के लिए, कोई भी बाहर नहीं निकलता था मगर आशा ही बाहर थी, और कोविड काल में कि हर एक घर में जा के हर एक की पूछताछ करती थी, और आंकड़ेवारी सिर्फ ये हमारे पास से लेके ऊपर दिखाते थे, और पेमेंट के टाइम पे ये हमको बोलते कि नहीं ऊपर से नहीं आया, ऊपर से फिर ये लोग अधिकारी लोग करते क्या है हमारे वास्ते,